देश में छाई आर्थिक मंदी ने हर सेक्टर में हाहाकार मचाया हुआ है। लोगों के हाथ से रोजगार छिन रहा है, जिसके चलते मोदी सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। विपक्ष सरकार को लगातार आंख दिखा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें टिकी हैं कल पेश होने वाले बजट पर। लेकिन उससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वे पेश किया और अगले वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बताया। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पिछले 7 महीनों में भारत की GDP में लगातार गिरावट देखी गई है। IMF हो या मूडीज, तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा चुकी हैं। यही कारण है कि मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर विफल बताया जा रहा है। इसी बीच आज अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे अथवा आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया। इस सर्वे रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ रेट 6 से 6.5% तक रहेगी। GDP ग्रोथ रेट को लेकर सरकार का ये अनुमान चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 0.5 से लेकर 1% तक ज्यादा है। आपको बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को 5% पर रखा है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राजकोषीय ग्रोथ 5% रहने का अनुमान है। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच सरकार इंफ्रा सेक्टर में 102 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि अगले 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1.4 ट्रिलियन यानी 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निवेश की जरूरत है, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ में ये बाधा न बने। अब सरकार की तरफ से अगले वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान तो जता दिया गया है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, उनमें ये अनुमान हकीकत में बदल पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या 6% की ग्रोथ रेट उस $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार कर पाएगा जो मोदी सरकार ने जनता को दिखाया है। DB लाइव की रिपोर्ट।